बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं उमर सत्ती। शामिल करते हैं अब तक की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत दुबई एक्सपोज के बारे में इजलास। एक्सपोज का आगाज़ 1 अक्टूबर 2021 से होगा, जो 6 माह मुसलसल जारी रहेगी। टिकटॉकर्स बगैर इजाज़त पार्क ना जाएँ, मीनारे पाकिस्तान की सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द करने का फैसला कर लिया गया। पीटीआई की टिकटॉक पर पाबंदी का केस, क्या मुल्क को पीछे ले जाना चाहते हैं हाईकोर्ट बरहम। जस्टिस हाईकोर्ट ने मामला वफाकी काबीना के सामने रखने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत का 30 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान, स्कूल स्टाफ की वैक्सीनेशन मुकम्मल होनी चाहिए। स्कूल बंदिश के खिलाफ सिंध के कई शहरों में आज भी एहतजाज। करोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल, केसेज में मुसलसल इजाफा, एक दिन में 80 अमवात, 3772 केसेज रिपोर्ट। नई अफगान पॉलिसी, PIA का काबुल फ्लाइट ऑपरेशन आज फिर मनसूख। रावलपिंडी में पीरवदाई मदरसे की तालबा से ज्यादती और तशद्दुद का मामला, पीरवदाई पुलिस ने मुलजिम मुफ्ती शाह नवाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर LDA की बड़ी कार्रवाइयाँ, गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट, डिप्टी डायरेक्टर और स्टेट ऑफिसर ने की। वजीर आजम इमरान खान ने साबिक कौमी क्रिकेटर रमीज राजा को नया चेयरमैन PCB बनाने का इंदिया दे दिया। तामिल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली भारतीय अदाकारा अलेक्जेंड्रा चाओ की घर से फंदा लगी लाश बरामद। और महकमा मौसमियात की अगले हफ्ते कराची में बारिशों की पेशगोई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई।